स्टेशन मास्टर साहब, बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। आपका स्टेशन जाना मुश्किल लगता है। अच्छा, आसपास पानी भी बहुत भरा हुआ है। एक काम कीजिए, कल सुबह स्टेशन चले जाइए, आप यहीं टांगे पे सो जाइए और मैं जाके वो सामने हवेली पे सो जाता हूँ। क्यों 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 भाई? अरे टांगे वाला कौन है, तुम या मैं? तो फिर इस टांगे में कौन सोएगा, तुम या मैं? नहीं, एक काम करो, तुम इस टांगे में सो जाओ, मैं उस हवेली में जाके सोता हूँ, ठीक है? और कल सवेरे मुझे लेने आ जाना, बिना भूले। अब ये पकड़ो, मेरा मुंह मत देखो। हाँ, हाँ? ऑटोमेटिक। अरे भाई, ये दरवाजा तो खुला है, कोई है? अरे भाई, कोई है? अरे ऐसे कैसे कोई नहीं है? यहाँ कोई तो होगा। अरे भाई साहब, वाह, नीचे क्यों सोए हैं? बिस्तर पर जाके सोइए ना। अरे मैं भी यहाँ सोने आया हूँ। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे कहाँ चले गए आप? अभी अभी तो सोए थे यहाँ। बुरा मान लिया मेरी बात का, सोइए आप, जाते कहाँ चले गए पता नहीं, कहाँ फंस गया मैं। राइट ले, राइट ले, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। राइट ले, ओए चुप कर। राइट डिसीजन ही तो नहीं ले पाया मैं अपनी लाइफ में, वरना तेरे चक्कर में शेयर मार्केट में पैसे लगाता क्या जो डूब गए? वो हादसा था क्या? मतलब तू एक छोटी सी चीज जिसका अपना कोई औचित्य नहीं है, वजूद नहीं है, उसके लिए परेशान हो रहा है?
ये सब कौन है? मेरा मतलब है कि तू अपने पैसों को लेकर परेशान हो रहा है। तू जानता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। क्या? वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी ने ये प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई थी, जिसे अब हमें एज अ गेस्ट हाउस चलाना पड़ेगा। हाय गाइस। ए हाय रिया। गुड टू सी यू रिया। अच्छा हुआ तुम आ गई। प्लीज विक्की को समझाओ कि गेस्ट हाउस छोड़ के कुछ काम धंधा करे यार। क्या हुआ? मैं डर गई, खुशी से भर के जी हूँ। ऐसी हवेली देखी थी मैंने फिल्म चांदनी रात की चुड़ैल में। वाव, उसी तरह इसमें भी भूत होंगे। बाय द वे विक्की, मैंने पापा से बात कर ली है और वो चाहते हैं कि तुम उनका बिजनेस ज्वाइन कर लो प्लीज, ताकि जिंदगी भर मैं उनका गुलाम बन के रहूं। ओए विक्की, मैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मान जा बेटे, सब कुछ तो तेरा ही होने वाला है। मेरा मतलब आप लोगों की सगाई तो हो चुकी है, शहनाई बजने वाली है, मेरा तो बैंड बज चुका है और विदाई होने वाली है। मान जा बेटे, मान जा। नहीं, अबे क्या बोल रहा है? ओके, तुम्हारी ये जिद है ना, तो यही सही। मैं तुम्हें एक साल का वक्त दे देती हूँ। आइदर तुम ये गेस्ट हाउस चला के दिखाओ या फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बोल रही है। वाओ, सच अ लवली बंगलो, आई जस्ट लव इट। ओहो, नमस्कार करो। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे दादाजी को नमस्कार कर रही हूँ। ये मेरे दादाजी नहीं है, इस बंगलो का केयर टेकर था अमरनाथ भंडारी। दादाजी कहते थे एक नंबर का काम जोर था ये मोटा। ये देखो ना, फ्रेम में भी फिट नहीं आ रहा है। औकात केयर टेकर वाली और कपड़े सेट जैसे। इसके जैसे। अच्छा, इतनी बड़ी हवेली है, कहीं ना कहीं तय खाना तो जरूर होगा। चलो ना, जाकर ढूंढते हैं। चलो, ओफो, तय खाना नीचे तो नहीं मिला। एक काम करते हैं, ऊपर चलकर देखते हैं, ऊपर जरूर होगा। तय खाना ऊपर? क्यों हंसा क्यों है? शर्म नहीं आती तुझे? नौकर है, नौकर की तरह पेशा। तेरी बकवास, कौन नौकर, किसका नौकर तेरी? भागन। हे भगवान, जब से शेयर मार्केट में पैसे डूबे ना, कंधे कंधे सपने आने लगे। और ये विक्की की मुझे अकेला छोड़ के चला गया। एक्सक्यूज मी मैडम, आप यहाँ दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? आइए ना रिसेप्शन पे आइए, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कमरा दिखाता हूँ। डबल बेड चलेगा या सिंगल बेड? एनीवेज, ये पूरी कॉन्वर्सेशन में मैं आपका नाम तो पूछना भूल गया, आपका नाम क्या है? कचिली। भैया विक्की,
मान जा मेरी बात, मान जा यार। इससे पहले इस भूतिया जगह पे हमारे रास्ते लग जाए तो रिया के डैड के साथ काम पे लग जा यार। अब क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे अलावा इस हवेली में और कौन है? वो हम हैं, वो हम हैं, वो हम हैं। तुम तो वही हो ना केयर टेकर, जिसे मरे हुए 40 साल हो गए हैं ना? हमें मरे हुए 40 साल नहीं, 50 साल हो गए हैं, और हमारी मौत के जिम्मेदार तुम्हारे दादा थे। दादाजी? अरे हमने कितने कई इनके पल्लू घुमा के कि भैया हमें कोई शौक ना है तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में जाने का, मगर ये जिदखोर नंबर वन बोले कुसुम कली साड़ी पहन लो शादी में जाना है, बॉबी बुआ बुरा मान जाएंगी। तो क्या करती, आज तक इनकी बात टाली है, एक मिनट में साड़ी पहन के तैयार हो गई डूब मरने को। अरे साड़ी नहीं पहनती तो क्या पहनती, स्विम सूट। स्विम सूट से याद आया कुसुम कली, जब पहली बार तुम्हें उस पिंक स्विम सूट में देखा था कमाल की लग रही थी तुम। डैडी आई एम अनमैरिड कटेली। और तुम लोग भी सुन लो, उस दिन हमें शादी पर जाना था नदी पार, नदी बड़ी हुई थी और तुम्हारे दादा ने बड़े कॉन्फिडेंटली हमसे कहा कि अमरनाथ हमारी नाव ले जाओ, लेकिन बुड्ढा हमें ये बताना भूल गया कि उस नाव में छेद था, पर पूरी की पूरी नाव में पानी भर गया और नाव डूब गई और हम सब भी डूब कर मर गए। और तब से हम इस हवेली में रहते हैं और तुम लोगों की भलाई इसी में है कि मुझे यहाँ शांति के साथ रहने दो। जी ये तो बताओ कि ये कौन शांति है जिसके साथ इस उम्र में रहने की बात सोच रहे हो पल्लू घुमा के? सुम कली तुम बार बार भूल जाती हो कि तुम मर चुकी हो, हम भूत हैं और हम यहाँ पर किसी को टिकने नहीं देंगे, बर्बाद कर देंगे तुम लोगों को, बर्बाद। भूत अंकल हम ऑलरेडी इतने बर्बाद हो चुके हैं कि हमसे ज्यादा और कोई बर्बाद नहीं हो सकता, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही रहेंगे। रहने दीजिए ना इसे, कितना हैंडसम है। कटीली कंट्रोल योर मोशन। यार तुम लोग भी सुन लो, अब हम देखते हैं कि कौन यहाँ रहता है और कौन यहाँ से जाता है और कौन यहाँ रहने आता है। अब अंकल आप डिसाइड क्यों नहीं कर लेते, आप कहना क्या चाहते हो? पल्लू घुमा के I am unmarried. Yeah. बड़ा उड़ने वाला खानदान है। अरे कहाँ मर गए सुनते हो? हे भगवान, ये तो मेरी एक ना सुने। सुनो सूजी खत्म है गई है। हाँ हलवाना बनाना तुम्हें नाश्ते में। अरे तुम तो खाओगे ना, मैं तो खाऊंगी, मरे जा रहे पता नहीं क्या। हे भगवान कब मरेंगे ये? ना ना कपड़े पहनने पड़ेंगे सफेद, मैं ना। अच्छा ठीक है, शाम को इंतजार करूंगी। हाँ अभी मैं जा रही हूँ पुष्पा के। कुछ भी हो जाए लेकिन हम ये गेस्ट हाउस छोड़कर नहीं जाएंगे। पर उन भूतों का क्या होगा भाई?
अरे भूतों से रिक्वेस्ट कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, पांव पकड़ लेंगे, कुछ कर लेंगे यार बस। पांव? भूतों के पांव भी होते? वो पता नहीं। गाइस, why to fear when Riya is here? अरे भूतों से बचने के बहुत सारे टोटके हैं मेरे पास। अरे यार देख, मैं तो भूल ही गया था कि ये बीए इन हॉरर्स है। गाइस, अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा और इन भूतों को शक भी नहीं होना चाहिए कि हम इनसे डर गए। ठीक है, जस्ट शो मी योर हैंड, गिव मी कॉन्फिडेंस, गिव मी कॉन्फिडेंस। यस, देखिए मेरा नाम रंगीले रस्तोगी है। लवली नेम, थैंक यू। अब एक रात गुजारनी है, क्या रेट है? बता तो चुकी हूँ मैं। तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ। फुल नाइट का 3,000 रुपया सर। वो थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा? दे तो चुकी हूँ। तुमसे नहीं मांग रहा हूँ, इनसे मांग रहा हूँ। आपके लिए 20% डिस्काउंट सर। अंकल एक बात पूछनी थी, ये आपकी क्या लगती है? ये वो मेरी ये वाइफ लगती है। दिख नहीं रहा तुझे, अंकल सुहागन है, मांग देख इनकी। वाइफ 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 मेरी। और तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, अंकल को रूम दिखाना। हाँ मालिक, हाँ हाँ मालिक। एंजॉय सर। सूप कैसा है सर? बढ़िया है, टेस्टी। पीजिए पीजिए, इससे ताकत आ जाएगी। नमस्ते नमस्ते, खाइए खाइए, लीजिए लीजिए। मैनेजर, हाँ हाँ सर, क्या हुआ? कहाँ है सर? अभी यही बैठा था, नहीं बैठी थी, नहीं नहीं बैठा था। क्या सर? सर वो मेरी मामा जी की फैमिली है, बहुत क्यूट फैमिली है सर। वो ऐसे ही लोगों को परेशान करते रहते हैं, आप खामों का डर रहे हैं सर। लेकिन पता नहीं वो कहां से और कहां चले गए। मेज के नीचे से आए होंगे और मेज के नीचे ही चले गए होंगे। हो सकता है कि चोर पुलिस खेल रहे हो ना सर। मेज के नीचे मामा जी की फैमिली। क्या कर रहे हैं सर आप? देखने तो यार मामा। किसने सर? तो यहाँ थे, चुप रहो, ये तुमसे नहीं मुझसे बात कर रही है। भागो भाग। अरे सर सर, अरे जल्दी चलो इस खटारे को। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ। पता नहीं कौन सी घड़ी में आज मैं तुम्हारे साथ। अरे चुप, भूत है वहाँ पे। हाँ मालूम है, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ अब चालू हो जाएगी। अरे ये कहाँ चली गई? हेलो, अरे क्या नाम है उसका? नाम भी तो नहीं बताया था उसने। अरे हेलो, कहाँ गई? अरे हेलो हेलो, अरे कहाँ चली गई?
हेलो, अरे डर ले रहा है। सौ बात की एक बात, हमें तो ये बता दो अल्लू घुमा के क्या जरूरत थी उन दोनों को मारने की। तुम क्या पागल हो गई हो? मैंने उन्हें नहीं मारा है, और तुम लोग तो जानते हो कि हम किसी को मार ही नहीं सकते। लेकिन लेकिन अगर हमने उन्हें नहीं मारा तो फिर उन्हें मारा किसने? किसने? कहीं ये वो तो नहीं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.